जेल से रिहाई के बाद आकाश विजयवर्गीय से बात की हमारे सहयोगी आदित्य सिंह ने। बीजेपी एमएलए आकाश विजयवर्गीय जेल से रिहा हुए हैं और रिहा होने के बाद कैसा राजनीतिक सफर? पहला सवाल, एक नई राजनीति की परिभाषा अब सामने आ रही है, क्या लगता है किस तरह की होगी, क्योंकि एक नया सफर तय करके आ रहे हैं आप? नई राजनीति नहीं, हम लोग तो वर्षों से राजनीति करते हुए आए हैं और जो हमारा सपना है कि लोगों के जीवन में सुख समृद्धि शांति रहे, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं और गरीबों के सम्मान और महिलाओं के सम्मान के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं, वही आगे भी करते रहेंगे। अच्छा जी, समर्थकों ने एक छवि आपकी देखी थी जो बहुत ही सहज थी, सौम्य थी और बहुत ही मतलब अनुकरणीय थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बैट उठा उसने समर्थकों को एक नई छवि दिखाई, क्या लगता है समर्थक इस बात को जानना चाहते हैं कि वो आकाश की कौन सी छवि पर इत्तेफाक रखें, कौन सी छवि पर एतबार करें? देखिए, जैसी सिचुएशन आपके सामने आती है आपको उसके हिसाब से उसे डील करना पड़ता है। आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण कभी माखन चुराते थे, कभी गोपियों के साथ नाचते थे, कभी राक्षसों का संहार कर देते थे, किसी के बहुत अच्छे भाई थे, कभी लड़ाई रोकते भी थे, कभी महाभारत भी करा दी। तो जैसी सिचुएशन रहती है उस हिसाब से आदमी को एक्ट करना पड़ता है। अब आगे क्या आकाश जी, एक सीधी लाइन जो होगी क्योंकि विपक्ष में है आपकी भूमिका, आगे क्या? लक्ष्य बहुत साफ है, हर हर के जीवन में सुख समृद्धि शांति हो, गरीब का सम्मान हो, महिला का सम्मान हो, और उसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, पूरा प्रयास रहेगा कि अब गांधी जी के दिखाए हुए मार्ग पर चले। तो आकाश विजयवर्गीय जी, इन्होंने साफ कर दिया है कि घर घर में समृद्धि हो और लोगों को सुख समृद्धि मिल सके, ऐसा प्रयास रहेगा। और अब आकाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि अब गांधी जी के मार्ग पर चला जाएगा। वीडियो न्यूज नीरज चावला के साथ आदित्य सिंह, न्यूज स्टेट। आकाश विजयवर्गीय को इंदौर जेल से रिहाई मिल गई। आकाश को लेने के लिए उनके भाई कल्पेश विजयवर्गीय पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं और घर में जश्न का माहौल है। बीजेपी के बल्लामार विधायक आकाश विजयवर्गीय को इंदौर जेल से रिहाई मिल गई है। भोपाल की स्पेशल कोर्ट के जज सुरेश सिंह ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आकाश विजयवर्गीय को 20,000 रुपए के बॉन्ड पर बेल दी। आकाश विजयवर्गीय को लेने के लिए उनके भाई कल्पेश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला और पार्षद चंदू शिंदे पहुंचे थे। जेल से बाहर निकलते ही विधायक आकाश विजयवर्गीय का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। उधर घर पहुंचते ही आकाश विजयवर्गीय का फूल मालाओं के साथ स्वागत हुआ, आरती भी उतारी गई। जो हमने एक्शन लिया था उस दिन वो हमने सोच समझ के लिया था और पूरी जिम्मेदारी के साथ लिया था, इसलिए कोई रिग्रेट नहीं है उसको लेकर के, क्योंकि ये शहर ये लोकतांत्रिक देश है हमारा और इसमें जनता जनार्दन है, जनता सबसे बड़ी होती है। युवाओं से निवेदन है कि प्रयास करना चाहिए गांधी जी के मार्ग पर चलते हुए अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात रखने का। आकाश विजयवर्गीय ने जेल से बाहर आते ही कहा कि कारावास में उनका समय अच्छा गुजरा, आगे भी अपने क्षेत्र और जनता की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। आकाश विजयवर्गीय की रिहाई से बीजेपी में उत्साह का माहौल है। जनहित के लिए, लोगों के जीवन में सुख समृद्धि शांति हो, क्षेत्र का विकास हो, गरीबों के साथ न्याय हो, इसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि हमारा एक एक पल एक एक कण लगे का प्रयास था है। जेल के अंदर कोई यात्रा, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, जेल का जेल के अंदर भी बहुत अच्छा समय बीता। आकाश विजयवर्गीय की रिहाई पर घर से लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। टीम न्यूज स्टेट। तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने आकाश विजयवर्गीय की रिहाई पर हुई हर्ष फायरिंग पर आपत्ति जताई। कि जिस प्रकार का चाल चेहरा और चरित्र भारतीय जनता पार्टी का, वो यहाँ तो उजागर होता है। मुझे लगता है जन प्रतिनिधि को एक दायित्व होता है कि कैसे कानून व्यवस्था बनाए, किस तरह के एग्जाम्पल सेट करे, पर लगातार किसी अपराध में जिसमें सरकारी कर्मचारी को पीटा हो, जेल से आपने माफी मांगी हो, कोर्ट ने आपको उस पर जमानत पर रिहा करा हो, उस पर शर्मिंदा होने की बजाय अगर आप हर्ष फायरिंग करते हैं तो किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं, ये आत्मचिंतन का विषय है।
देखिए उनके कार्यालय आकाश विजयवर्गीय के कार्यालय पे जिस तरीके से जश्न मना और वहाँ पर हर्ष फायरिंग हुई, पुलिस को साफ साफ दिख रहा है कि किसने हर्ष फायरिंग की है, उसके खिलाफ केस रजिस्टर करना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। और इंदौर में जर्जर मकान आज भी नहीं तोड़ा गया, नगर निगम ने पुलिस की अनुपस्थिति के कारण कार्रवाई को स्थगित किया। म्यूनिसिपल ने बताया कि मंगलवार को मकान तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ म्यूनिसिपल अधिकारी ने कहा कि कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स भी तैनात रहेगी। देखिए पुलिस की अवेलेबिलिटी के कारण हमने इसको अगले ट्यूसडे के लिए मतलब परसों के लिए टाला हुआ है, और चूंकि बिल्डिंग बहुत जर्जर अवस्था में है, आप सभी लोग इसको देख भी चुके हो, उसके फोटोज भी मौजूद हैं, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो बिल्डिंग बारिश के समय रहे जिससे कि उसके गिरने की वजह से जानमाल का नुकसान हो, तो मंगलवार को हमारे द्वारा एक कार्रवाई संपादित की जाएगी। ये मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ में रहेंगे। इस संबंध में प्रशासन के साथ में पुलिस के साथ में बात हो गई है, पर्याप्त रूप से पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद रहेगा,